लिए 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। अपनी धुआंधार भाषण के लिए मशहूर कांग्रेस के फायर ब्रांड नवजोत सिंह सिद्धू काफी दिनों से खामोश हैं। सियासी गतिविधियों से दूर सिद्धू पंजाब की राजनीति में दोहरे पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस में धीरे धीरे दूर हुए सिद्धू के लिए राजनीतिक विकल्प भी कम ही दिखाई दे रहे हैं। वो पंजाब कांग्रेस में नई पारी के लिए पर्दे के पीछे सक्रिय है, लेकिन वर्तमान हालात में उनको इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की शर्तें माननी पड़ेंगी। वास्तव में पंजाब कैबिनेट से अलग होने के बाद से ही सिद्धू कांग्रेस से दूर होने लगे थे। वहीं बीते समय के साथ सिद्धू के सामने राजनीतिक विकल्प भी सिमटते जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा सिद्धू को फिर से पार्टी या सरकार में एडजस्ट करने की कोशिश भी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सिद्धू के पास विकल्प है कि या तो वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बनाई हुई पिच पर बल्लेबाजी करें या फिर अपनी राह खुद बनाएं। क्रिकेट से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू की परेशानी ये है कि पार्टी हाईकमान की वजह से भले ही उनको पंजाब कैबिनेट में तीसरे नंबर पर मंत्री बनाया गया था, लेकिन पंजाब कांग्रेस में वो कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाए। अपने आक्रामक रवैये की वजह से वो अक्सर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। फिर चाहे फरवरी 2019 में पुलवामा हमले का मामला रहा हो या कैप्टन की जगह राहुल गांधी को अपना कैप्टन बताने का बयान, नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री से पंगा लेने का कोई भी मौका कभी नहीं छोड़ा है। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का बयान पंजाब विधानसभा में दिया था और पाकिस्तान की निंदा की थी। इसके थोड़ी देर बाद ही सिद्धू ने विधानसभा के बाहर आने के बाद पाकिस्तान को एक तरफ से क्लीन चिट दे दिया था। वहीं सिद्धू ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कैप्टन तो पंजाब सरकार के कैप्टन है, मेरे कैप्टन तो राहुल गांधी है। इसके बाद भी सिद्धू ने कभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने का कोई और कसर नहीं छोड़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिद्धू ने पहले तो पंजाब में कांग्रेस के प्रचार से दूर रहे और आखिरी दो दिन सक्रिय हुए तो भटिंडा में अपनी पार्टी के ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर पर हमला कर दिया। यही कारण है कि मिशन 13 यानी सभी 13 सीटें नहीं जीतने पर पूरा होने पर कैप्टन ने 5 सीटों की हार पर ठीकरा सिद्धू पर फोड़ा और उसके स्थानीय निकाय चुनाव विभाग से लेकर ऊर्जा विभाग दे दिया। इस बात से खफा होकर सिद्धू ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर घर बैठ गए। सिद्धू के लिए राजनीतिक विकल्प लगातार कम होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर 3-4 महीने में सिद्धू को लेकर कोई राह नहीं निकलती है तो उनके लिए भी राजनीतिक परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धू के लिए आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने दरवाजे लगभग बंद कर रखे हैं। बीजेपी अब उनमें कोई रुचि दिखा नहीं रही है। शिरोमणि अकाली दल से सिद्धू का 36 का आंकड़ा शुरू से रहा है। ऐसे में सिद्धू के सामने केवल ये विकल्प है कि वो कैप्टन के साथ सुलह करके अपनी पिच को तैयार कर लें और बल्लेबाजी करें, क्योंकि पंजाब में 2022 की शुरुआत में चुनाव है। उल्लेखनीय है कि चुनाव से 6 महीने पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनावी मूड में आ सकती है। ऐसे में सिद्धू सरकार में एडजस्ट होंगे या संगठन में, इसकी तस्वीर जल्द ही स्पष्ट होने उनके लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा तब ही हो सकता है जब कैप्टन इसके लिए राजी हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।